आपका देखो स्टडी क्वेश्चन कैसे दिया है, स्टडी केस वाला, तो वी कैन से कि आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद आपको उसके आंसर थे, जो इंपॉर्टेंट थिंग है उसको आपको साइड में लिखते रहना। देखो उसने क्या बोला है, द स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एटलीस्ट 1500 पीपल, द चेयर्स आर टू बी प्लेस्ड इन कंसेंट्रिक सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन प्रीवियस वन। नाउ उसके बाद इसने कुछ क्वेश्चंस दिए, तो फर्स्ट जो ये पहला दिया है इसके अंदर आपका इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, तो फर्स्ट इसने देखो यहां पर क्या दिया है, 1500 पीपल, दैट मीन्स टोटल सीटिंग अरेंजमेंट इज 1500 पीपल, है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं टोटल अरेंजमेंट, दैट इज इक्वल टू 1500। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, इसने इसी पैरा में यहां पर दिया है द अरेंजमेंट सर्कुलर अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट ईच सक्सीडिंग सर्कुलर रो हैज 10 सीट्स मोर देन द प्रीवियस वन। जो पहले जितने भी थे तो नेक्स्ट रो आएगा उसमें कितने होंगे, 10 मोर, है ना। तो वी कैन से ये आपका इंपॉर्टेंट थिंग है। अब देखो इसने क्या बोला है, नेक्स्ट इसने क्या बोला है, इफ द फर्स्ट रो है 30 सीट्स, तो इससे ये मालूम पड़ रहा है कि क्या है ये, इट इज फ्रॉम, ये क्वेश्चन आपका कहां से है, एपी से, है ना। तो ये जो 10 सीट्स है, दिस इज योर डी नाउ, दैट इज योर कॉमन डिफरेंस इज योर 10, ठीक है। अब देखो फर्स्ट रो में इसने बोला है 30 सीट, दैट मीन्स ए इज 30, ए इज इक्वल टू 30। नेक्स्ट क्या बोला है, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 10th रो, 10th रो बोला है उसने, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन 10th रो, ओनली 10th रो में कितनी सीट्स है, वी हैव टू टेल, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ए 10। उसके लिए हम क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला वी विल राइट, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहां पर इसने बोला है 10th रो, है ना, तो ए 10, दैट इज इक्वल टू ए देखो कितना है आपका 30 प्लस 10, एन इज 10, तो 10 माइनस वन इज 9, तो आपका हो गया 9 इंटू डी इज 10, तो दैट इज इक्वल टू वी कैन से 30 प्लस 19, दैट इज इक्वल टू 120 सीट्स। तो 120 सीट्स आपके 10th रो में है, 120 सीट्स, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखो क्या बोला है, फॉर 1500 सीट्स, तो 1500 हमारे क्या है, टोटल अरेंजमेंट है, दैट मीन सब, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एस एन सम हो गया आपका 1500 सीट्स। आगे इसने क्या बोला है, हाउ मेनी रोज विल बी देयर, तो हाउ मेनी रोज दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट एन, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एस एन का फॉर्मूला लिखेंगे, तो वी कैन से एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू इन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसके अंदर वैल्यू डालो, तो n बाय 2 और sn हमारा टोटल कितना है 1500, तो यहां पर आप 1500 लिख लो, यहां पर 2a तो 2 इंटू 30 ये 60 प्लस n माइनस 1 और d हमारा कितना है 10, तो इसको सॉल्व, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई पहले कर दो आप, है ना, 2 का 1500 इज 3000, तो आपका आ जाएगा 3000 इज इक्वल टू n इनटू, इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा, 60 प्लस
10 and minus 10. So 60 minus 10 is 50. तो 50 plus 10 है. तो आपका क्या आ गया देखो, 3000 is equal to m into 50 plus 10 m. इसको सॉल्व किया हमने तो क्या आ गया आपका 50 m plus 10 m square, that is equal to 3000. एक साइड में लेकर आ जाओ और इसको अरेंज कर दो और यू कैन सी तीनों नंबर्स हमारे 10 से डिवाइड हो रहे हैं. डिवाइड भी कर दो तो क्या हो गया देखो, एम स्क्वायर प्लस 5m और ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस, माइनस 300, दैट इज इक्वल टू जीरो. नाउ गो फॉर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. ठीक है, तो 300 हमको 300 बनाना है तो 300 हमारा कैसे हो सकता है, 15 इंटू 20 इज 300 और 15 माइनस 20 माइनस 15 इज 5 ऑल्सो. तो अब आपका क्या हो गया, इट विल बी एन स्क्वायर प्लस 20m माइनस 15m माइनस 300, दैट गिव्स यू जीरो. इसके अंदर देखो n इज कॉमन है ना, तो n इज कॉमन तो आपका क्या आ जाएगा, n प्लस 20 और ये दोनों के अंदर माइनस 15 इज कॉमन तो माइनस 15 अगेन यू विल गेट n प्लस 20 दैट इज इक्वल टू जीरो. दैट मीन्स दैट n माइनस 15 इज इक्वल टू जीरो एंड n प्लस 20 इज इक्वल टू जीरो. तो यहां पर देखो n कितना आ गया, n इज 15 और यहां पर आ गया n इज माइनस 20. ठीक है, तो आपका देखो नंबर शुड नॉट बी इन नेगेटिव है ना, रोज आपकी हम तो काउंट कर रहे हैं ना, तो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए आपका नंबर ऑफ रोज इज 15. तो यहां पर आपका आंसर आ जाएगा 15 रोज. ठीक है, नेक्स्ट. तो या तो आपको यह करना है और बीच में इसने दे रखा है और, अदरवाइज यू हैव टू डू दिस. ठीक है, तो देखो इसने क्या बोला है, इफ 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज्ड इन ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो. तो दैट मींस टोटल सीट्स इज 1500 लेकिन इसने बोला है कि 10 रो तक कितनी सीट्स लग जाएंगी और उसके बाद कितनी सीट्स आपके पास बच जाएंगी, तो दैट मींस n इज 10 रो है ना. तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 10 और आपको क्या निकालना है, सेम सम. तो क्या आ जाएगा देखो आपका s10 इज इक्वल टू 10 बाय 2 इज 5 इंटू 2a इज 60 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9, 9 इंटू 10, 9 इंटू 10 इज 90. तो कितना हो गया, इट विल बी 5 इंटू 150, दैट इज इक्वल टू 750. तो 10th रो तक हमारे 750 चेयर्स हो गई, तो कितनी बाकी बच गई आपकी, 1500 माइनस 750 इज अगेन 750. तो वी कैन से चेयर्स लेफ्ट इज इक्वल टू 1500 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 750 चेयर्स. ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन में, इफ देयर आर 17 रोज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो. अगर आपके ऑडिटोरियम में देयर आर 17 रोज तो आपका जो मिडिल रो होगा उसके अंदर कितनी चेयर्स होंगी, तो आपको इसमें क्या करना है, आप देखो 17 नंबर
17 क्या होता है हमारा ऑड नंबर, है ना। तो 17 इज ऑड, तो वी कैन से 17 इज ऑड। तो ऑड नंबर का मिडिल निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 बाय 2, n प्लस 1 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 17 प्लस 1 कितना हो गया 18, 18 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 9। तो आपको सिर्फ 9th रो में कितनी चेयर से आपको फाइंड आउट करनी है 9th रो में। तो 9th रो के लिए फॉर्मूला हमारे पास में क्या है, am, है ना। तो हम यहां पर फाइंड आउट करेंगे a9, तो आपका क्या आ जाएगा a9 इज इक्वल टू a देखो कितना है 30 प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1 इज 8 और d हमारा 10 है, तो कितना हो गया 330 प्लस 80, 30 प्लस 80 That is equal to, we can say, is 110 chairs. ठीक है, तो आपके 9th row में 110 chairs होंगे। तो इस तरह से आपको इसको निकालना है।